मैडम तो अधिकतर अपना जो व्लॉग बनाती हैं तो उसमें लगता है कि जैसे कि वो व्लॉग चैनल ना हो के रेसिपी चैनल हो, कि समटाइम ऐसा होता है कि पूरे उनके व्लॉग में रेसिपी रेसिपी होती है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता। हाँ थोड़ा थोड़ा बच्चे को खिला लेती हैं क्योंकि ये तो उनका मेन कंटेंट है, लेकिन धब्बा के व्लॉग में रेसिपी जो है ना वो मेन कंटेंट नहीं होती, क्योंकि उसको वो ऐसा समझती है कि वो जो बना रही है वो रेसिपी नहीं है, वो एंटरटेनमेंट है। जैसे वो कई बार कह चुकी है कि हम तो चाहते हैं कि अपने जो व्यूवर्स हैं उनको हंसाएं। इस बार जो हंसाने का जो प्रोग्राम किया है वो उसने कुनाफा पे किया है। इस तरह से अलग अलग जो स्टैंड अप कॉमेडियन है ना वो टॉपिक बताते हैं कि हम किस बात के ऊपर इस बार स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे, तो इसी तरीके से ये अलग अलग नाम की रेसिपीज चुनती है कि इस बार हम इस चीज़ का मजाक उड़ाएंगे तो इस बार इस चीज़ का मजाक उड़ाएंगे। जैसा कि इसने बताया था ना जो अम्मी के संस्कार होते हैं ना उसी से सब बच्चे जो है वही काम करते हैं और वही सीखते हैं और वही करके दिखाते हैं। अब ये देख लीजिए, चाय भी इसको खुद नहीं बना सकती, क्लियर कट बोल रही है कि मैंने चाय जो ना यहीं पर मंगवा ली थी, अदरवाइज जो है ना रात में चाय वहीं जाके नीचे जाके पीती है। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा था, एक तरफ तो आप अंडा दिखा दो कि आप उसकी जर्दी नहीं खा रहे हो और दूसरी तरफ जो चाय दबा दब एक के बाद एक विद शुगर एंजॉय करते रहो, ये भी एक हेल्दी स्टाइल है भाई इनका। इसको संस्कारों से नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये तो बेसिकली अपना अपना लाइफ स्टाइल है और लाइफ स्टाइल जो है कम से कम माँ बाप उसके ऊपर उत्तरदायी नहीं है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब क्योंकि देव भैया चले गए हैं तो भैया अब अम्मी की ड्यूटी लगी है वहाँ पर कि जाओ आप जाके वहाँ देखभाल करो, और साथ साथ जो है नान भी गया, मतलब ये बता रही है कि राजा बेटा और राजा बहू जो है यानी कि घर की लक्ष्मी जो है वो किस तरीके से ध्यान रखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें ही जाके वहाँ पर करना पड़ता है। ऐसे में बेटा सहारा नहीं लगाता है, यानी कि बाप को अगर चाहिए सहारा तो बेटा नहीं लगाता है, उसके लिए नीचे से अम्मी गई हैं और साथ साथ नान गया है। जब भी मौका मिलता है भैया की या भाभी की कोई भी पोल खोलने का तो ये छोड़ती कोई नहीं है। और ये हिजाबी गर्ल बार बार आकर बाथरूम में क्यों शूट करती है, वॉशरूम में आके क्यों शूट करती है? आप एक नॉर्मल बातें कर रहे हो उसके लिए भी वॉशरूम में जाके ये सब चीज़ शूट कर रहे हो? अच्छा हम समझ गए, पिछली बार बताया था कि वॉशरूम में चले जाते हैं तो वह आवाज अच्छी आती है, उसके बाद में अपनी स्किन केयर का राज बता रही है कि कैसे कैसे वो स्किन को मेंटेन रखती है, हेयर्स को कंट्रोल रखती है, साथ में सीख भी दे रही है कि लेजर ट्रीटमेंट से परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता, उसको आपको बार बार कराना पड़ता है। और ये आपको दूसरा तरीका बता रही है कि घर में किस तरीके से ये सब चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए। अब यहाँ पे बार बार अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है कि भाई हम तो चाहते हैं कि वो रुक जाएं, पर वो रुकने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं हो पा रही है, कभी ठीक हो जाती है तो वो कहते हैं जा रहे हैं, कभी ख़राब हो जाती है तो हम वो कह रहे हैं कि नहीं अब रुकना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा आपको चाहिए कि आप अपना डिसीजन दो और उनको फोर्सली यहाँ पर जाने मत दो आंटी, अनलेस उनकी तबीयत ठीक ना हो जाए। ये वाली बात तो आप अपने व्यूवर से पूछ लेते, वो भी तुरंत यही वाली बात बताते, पर क्योंकि आपको तो अपना गेम अलग तरीके से खेलना है, आपको किसी भी तरीके से उनको विदा करना है, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं पूछनी, नहीं पता करनी और ना ही ये करना है। और पता नहीं क्या व्लॉगिंग कर रही है, बेडरूम में पहुंच जाती है, फिर वॉशरूम में पहुंच जाती है, फिर बेडरूम में पहुंच जाती है। भाई कुछ चीज़ें तो व्लॉगिंग से बाहर रखो कम से कम, कोई तो एरिया ऐसा प्राइवेसी का होना चाहिए कि जिसमें कि व्लॉगिंग ना हो। और भाई यहाँ पहली बार लगा कि उसने अपनी एज की बात करी है, या अब उसकी एज बढ़ गई है तो अब वो सब चीज़ें वो नहीं करना चाहती या नहीं करनी चाहिए जो कि वो पहले करती थी, वो बड़े शौक से करती थी, लेकिन अब तो उसकी शादी भी हुई है और शादी के बाद में तो लड़की को कुछ अपने मेकअप का या अपनी तरफ ध्यान नहीं रखना चाहिए। ये गलत है, ये सोच ही गलत है। आपको इस बात के लिए बनना संवरना क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई है और कोई आपको पसंद करेगा इसलिए, ये सोच थोड़ी सी गलत है। हमारे तो इस्लाम में ये बताया गया है कि शादीशुदा लेडीज़ को भी अपने आप को बनना संवरना चाहिए। किसके लिए संवरना चाहिए? अपने हस्बैंड के लिए करना चाहिए ये सब। ये सब करने को मना बिल्कुल भी नहीं कहा गया है, इसका मतलब किसी भी इस बात से नहीं है कि भाई शादी हो जाती है तो आपको करना चाहिए और शादी नहीं हो जाती या शादी होना ना होना इस बात से कोई ताल्लुक नहीं रखता है। अब भाई सारा अपना स्किन ट्रीटमेंट करने के बाद में फिर उसके बाद में सोने के लिए जा रही है, लेकिन पता नहीं क्यों बेचारी आज भूल गई पैर दबाना अपने हस्बैंड के।
मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि ये वाली बातें जो ना ब्लॉग के अंदर करने वाली नहीं होती है कि किस तरह से कि हस्बैंड को आप केयर कर रहे हैं और हस्बैंड आपके केयर कर रहा है, कुछ चीज़ें बहुत कुछ पर्सनल होती हैं और एक दूसरे के प्यार में और एक दूसरे की इज्जत में और एक दूसरे की कंडीशंस को देखते हुए कि उसको क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से ये सारे काम किए जाते हैं। इसमें लेडीज़ जेंट्स वाली कोई बात नहीं है। अगर वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है और हस्बैंड अगर कुछ किचन में काम कर देता है तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि भाई उसने बहुत सारे काम जो लेडीज़ वाले कर दिए और उसको नहीं करने चाहिए लेडीज़ वाले काम। सिमिलरली यही चीज़ें वाइफ को भी लागू होती हैं और इसी चीज़ का नाम अंडरस्टैंडिंग है और अंडरस्टैंडिंग से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। और मॉर्निंग में ये लोग गए हॉस्पिटल अपनी अम्मा को दिखाने के लिए, उनकी मेडिसिन दिलवाई, उसके बाद खाना खाया, लेकिन जब लौट रहे हैं मैडम व्लॉगिंग करने के लिए ना आगे की सीट पे बैठी हुई हैं बजाय इसके कि अम्मा के पास बैठती। अब देखिए वो लेटी हुई है और उनका सर जो है ना वो रुखसाना बाजी जो उनके गोद में रखा हुआ है। यही वो पर्सनल केयर है जो कि चाहिए होती है एक सास को या एक माँ को या एक बूढ़ी औरत को। इतना सारा भाषण देने वाली ये आगे जाके बैठी हुई है और बजाय इसके कि उसके पास बैठे। और ये कह रही थी ना कि भाई हमको टाइम नहीं मिलता, हम उनके साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, तो टाइम कैसे कैसे स्पेंड होगा? वो ऐसे ही स्पेंड होता है भाई, घर के अंदर तो इसी तरीके की बात होती है कि कुछ उनकी केयर की जाए, कुछ उनको बैठ के बात की जाए, कुछ काम करते करते उन्हीं के पास किया जाए। ऐसा थोड़ा ना कि टाइम निकाल के सिर्फ और सिर्फ उनसे बहुत सारी देर बातें की जाए तो तभी ये कहा जाएगा कि हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं के साथ में। ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा दिखावे के लिए करती है, रियल उसमें नहीं करती। कह रही है रात को, जैसे रात को कह रही थी कि 1:30 बज गया है, अब अम्मा सो गई हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके सोने के लिए जाग रही थी। ये तो 3-3 बजे तक वैसे ही डेली जागते हैं। और भाई घर में आती है नीचे और आवाज़ लगा के कह रही है किसी को मेरा इंतज़ार नहीं था भाई, मैम साहब आने वाली थी, डब्बा मैम साहब आने वाली थी, किसी ने कोई इंतज़ार नहीं किया, किसी ने जो दरवाजे पर फूल नहीं बिछाए, किसी ने वेलकम नहीं किया। तो गुस्सा भी दिखा रही है कि मैं तो जा रही हूँ। ससुराल से रूठ के आते हुए तो बहुत देखी है कि मैं तो जा रही हूँ अपने मैके, और कोई मैके से भागती हुई तो हमने ये पहली बार देखी है। माँ ने आखिर कह ही दिया कि घर छोड़ के जाइए कहाँ। अब देखिए भाई जो है रक्षाबंधन के लिए कुछ चीज़ लेकर आया है जो वो नहीं दिखाना चाहता उसको, तो उसके साथ 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 वो छुपाते छुपाते वॉशरूम में घुस गया, तो वॉशरूम में घुसने के लिए तैयार है। अभी कल ही बात कर रही थी अपनी उम्र की, अब इस उम्र में आके कम से कम इतना तो समझ जाओ कि भाई ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर वो नहीं दिखा रहा तो जानबूझकर नहीं दिखा रहा है, आप दूसरे की शर्म को क्यों पी रहे हो? खुद तो बेशर्म हो ही हो, दूसरे को भी बेशर्म कर देना चाहते हो। जस्ट वेट एंड एंजॉय, वो जब खुद दिखाएगा तब उसको भी खुशी मिलेगी और तुमको भी खुशी मिलेगी कि देखो मेरा भाई मेरे लिए क्या लेकर आया। पर नहीं नहीं नहीं, तुम तो आज ही सब कुछ जान लो, आज ही सब कुछ देख लो। जैसे कि मैंने कंटेंट नंबर 2 बताया था कि किसी भी तरीके से इसको मार्केट जाना ही जाना है, तो इसी व्लॉग के अंदर ये तीसरी बार मार्केट के अंदर आ गई है। और इस बार बहाना क्या है, इस बार ये बहाना है कि पिज्जा के लिए ड्रेस लेनी है, लेकिन हाँ मार्केट जाते हुए रेस्टोरेंट जरूर जाना है। और इसके बाद मैं राखी परचेज करी। एक संदेश जरूर अच्छा लगा जो इसने दिया यहाँ पर कि जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं ना, यानी कि नीचे बैठकर बेचारे अपना सामान बेचते रहते हैं, जैसे रक्षाबंधन आता है या दिवाली आती है तो दिए बेचते रहते हैं, इन लोगों से सामान जरूर लेना चाहिए क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ये कमाने के लिए नहीं, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए यहाँ पर आते हैं। और कोई कॉस्टली सामान नहीं बेचते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग बाग इन लोगों से भी वहाँ पर बार्गेनिंग करते हैं। भाई अल्लाह ने अगर तुम्हें दिया है तो इनको बेझिझक बिना किसी परवाह के इन लोगों की मदद करनी चाहिए। अब मेरा तो ये मानना है कि अगर रक्षाबंधन है तो वो एक धागा जो है वो भी काफ़ी है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत फैंसी राखी होगी तभी वो रक्षाबंधन ज़्यादा अच्छा रक्षाबंधन होगा। तो अगर स्ट्रीट वेंडर जो हैं इन लोगों से ही ये जो धागे बेचते हैं और जो बहुत हल्की फुल्की राखियाँ बेचते हैं इन लोगों से लेकर ही त्यौहार मनाना चाहिए, लेकिन इनको उस चीज़ के रेट्स अच्छे देने चाहिए कि जितने ये दाम बता रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा देने चाहिए, कोई कमी नहीं पड़ जाती इससे। अगर आपका अगर दाम थोड़ा सा उसको ज़्यादा दे देंगे तो कुछ भी कमी नहीं पड़ेगी, वो पहले तो बहुत ही कौड़ियों के भाव में तो वो सब चीज़ें भेजते हैं, यानी बहुत कम दामों पर बेचते हैं वो। अगर आप में से कुछ लोग भी इस बात को मेरी मानेंगे तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी होगी इस बात के लिए।
चलिए यही मान लीजिए, ये वाली बात जो है डब्बा ने सिखाई है तो उसकी बात मानकर ही जो कम से कम ये फॉलो कर लीजिए। और इसके बाद में शुरू हो गया इनका कुनाफा बनाना। कुनाफा पे तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, इसने जो भी रेसिपी चूज करी उसके अकॉर्डिंग उसने कुनाफा बनाना शुरू किया और उससे वो कुनाफा उस तरीके से नहीं बन रहा था जैसे कि रेसिपी में बन रहा था। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जो भी रेसिपी डालता है ना वो सोच समझ के ही डालता है और बनाता है, फिजिबल होती है वो रेसिपी तभी वो बनाता है। कहीं ना कहीं हमसे ही गलती होती है, कोई ना कोई हम स्टेप को मिस कर देते हैं या उसी तरीके से फॉलो नहीं करते या कोई इंग्रेडिएंट जो डाल रहे होते हैं उसमें कहीं ना कोई मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से, या उस इंग्रेडिएंट की क्वालिटी जो है उस टाइप की नहीं होती जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो हम ये कहते हैं कि भाई हमारी रेसिपी के अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं बन रही है। उस रेसिपी को मैं तो ये कहूँगा बहुत ध्यान से सुनिए और देखिए और उसके बाद में उसको बनाइए, आपकी भी डेफिनेटली वही रेसिपी वैसे ही उतनी अच्छी तरीके से बनेगी। अब ये तो डब्बा है, इसका क्या है, इसको तो उलझना ही है, या ये कहिए इसे कुछ ना कुछ गड़बड़ करके दिखानी ही है। और इस बार तो गवाह के लिए उसने कृष्णा को भी खड़ा कर लिया है और आखिरकार उसने बता ही दिया कि माँ का मूड जो है यानी कि अम्मी का मूड जो है एकदम ऑफ हो गया जब ये सुनकर कि वो मेरी किचन में आके ये सब चीज़ें ट्राई करना चाहती है। भाई क्यों करती है, फिर ये ऊपर जो अपने घर लिया है तो वो क्या लिया है, क्यों लिया है, वहाँ पर आप ये सारी रेसिपी ट्राई करो, आपको किसी को बुलाना है तो वहाँ पर बुला लो, अपनी किचन में रेसिपी ट्राई करो। ये क्या तरीका हुआ कि हम तुम्हारे ऊपर आके बंदूक चलाएंगे, तुम्हारे कंधा यूज़ करेंगे तभी बंदूक चलाएंगे, हम बंदूक हम चलाएंगे लेकिन चोट तुमको लगनी चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग जो ये कह देते हैं कि एक ही गली में लड़की की शादी कर ली तो वो रोज जो है अपनी माँ के घर ही बैठे रहेगी, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, गली में अगर लड़की की शादी कर ली तो कोई बुराई है, लेकिन इस तरीके से जिस तरह से ये यूज़ करती है, अपनी माँ को यूज़ करती है, उसकी किचन को यूज़ करती है, उसके सारे काम बिगाड़ती है, तो इस तरीके से करने पर ही वो गुस्सा करते हैं। अब चलिए कैसे ही करके वो कुनाफा बन गया, अच्छा बना बुरा बना, वो तो कुछ ड्रामा करना है करना है, तो वो तो हो ही गया। इसमें रात के 12:30 बज रहे हैं तो अब के दिमाग में कीड़ा गूंदा है कि वो क्या करे। अब वो जो मेहंदी का जो कंपटीशन करना चाह रही है वो भी कृष्णा के साथ में। नॉर्मली ये कंपटीशन में खुद को कभी भी नहीं उतारती है क्योंकि इसको क्या है, हार से बहुत डर लगता है, या ये कहिए कि हार होने के बाद में इसको बहुत बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है, बहुत बुरा लगता है और उसका अंजाम आप समझते ही हैं, गुस्सा और पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन इस बार कृष्णा के साथ में कंपटीशन कर रही है इस बात का कि वो मेहंदी कैसे लगाए और कौन अच्छी मेहंदी लगाएगा। मेहंदी लगा ली गई, दोनों हाथों में मेहंदी लग गई और उसके बाद में फैसला छोड़ दिया व्यूअर्स के हाथ में कि कौन सा हाथ ज़्यादा अच्छा लगा है, डब्बा वाला ज़्यादा अच्छा लगा है या कृष्णा वाला ज़्यादा अच्छा लगा है। हम भी इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, ये तो भैया इनके व्यूअर्स ही बताएंगे कौन सा हाथ कैसा अच्छा लगा है या कौन सा हाथ बुरा लगा है, क्योंकि अगर बुरा बोल दिया तो फिर उसके बाद में डब्बा का जो गुस्सा है वो गुस्सा आएगा और वो पता नहीं क्या करेगी घर में। हमें तो कुछ कर नहीं सकती लेकिन हाँ घर में क्या कर देगी वो पता। अब बताइए रात को 1 बजे भी मीटिंग के लिए इसको बुलाया गया है, यानी स्टाफ उसका है, रात दिन वो संभालता है, डेली उनसे वो काम में लेता है, लेकिन मीटिंग करने के लिए रात को 1 बजे डब्बा मेम साहब को बुलाया जा रहा। आखिर मालिक लोग जो है ना वही फैसला लेंगे ना, बाकी और लोग तो फैसला ले नहीं सकते। क्यों उसको इंडिपेंडेंट नहीं होने देती काम के लिए कि वो अपने आप ही वहाँ पे फैसले करे, वो सही करे या गलत करे, अगर गलत भी करेगा तो उन्हीं फैसलों से वो आगे के लिए सीखेगा, या ये मान के चलती है कि जो भी वो फैसला लेगी वही फैसला सही होगा। तो भाई हमें तो नहीं लगता कि कभी भी ये फनी जो है इंडिपेंडेंट तरीके से कोई भी काम कर पाएगा, हमेशा इसकी बैसाखी को यूज़ करेगा और इसको उसकी बैसाखी चाहिए, जब भी इसको कोई बात कहनी होती है तो वो बात वो इसी से कहलवाती है। चलिए इनके निब्बा निब्बी के सब काम चलते रहेंगे, हम एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।